कैसी होगी? कैसे? अगर एंगस स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कम स्टेबल होगी, अगर उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, अपोजिट है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि देयर डेविएशन इज हायर फॉर साइक्लोप्रोपेन देन साइक्लोब्यूटेन सो दैट साइक्लोप्रोपेन इज more prone to undergo ring opening reactions. Done? Yes, ma'am. Okay, next point लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट टर्न्स आउट दैट साइक्लोएल्केन्स, इट टर्न्स आउट दैट साइक्लोएल्केन्स विथ मोर देन थ्री कार्बन एटम्स विथ मोर देन थ्री कार्बन एटम्स इट टर्न्स आउट दैट साइक्लोएल्केन्स विद मोर देन थ्री कार्बन एटम्स इन द रिंग are not flat molecules. I'm repeated again. It turns out that cycloalkanes with more than three carbon atoms in the ring are not flat molecules. Full stop. Done, ma'am. Okay, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपने जो पॉइंट लिखा है, इट मीन्स अगर किसी रिंग में जो कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो तीन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उस मॉलिक्यूल का, तो वो जो रिंग होगी वो फ्लैट नहीं होगी, ठीक है? वो वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस वो क्या करेंगे, अपनी जो रिंग के अंदर स्ट्रेन है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए अपनी जो रिंग की स्ट्रक्चर है उसको क्या कर लेंगे, पकड़ फॉर्म में ले लेंगे, उसको डिस्टॉर्टेड कर देंगे, मॉडिफाई हो जाएगा, चाहे वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ही उस रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो पॉसिबल होगी, वो उसी फॉर्म में पकड़ फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि रिंग के अंदर की जो स्ट्रेन है उसको रिड्यूस किया जा सके. ओके, तो लिखो, दे आर इसी पॉइंट में लिखना है, दे आर पकर्ड, PUCKERED, पकर्ड टू रिड्यूस स्ट्रेन. They are puckered to reduce strain. तो next point लिखो, rings from 3 to 30 carbon atoms. Do exist, but are strained due to bond bending, due to bond
bending, distortions, distortions and steric interactions and steric interactions. स्टेरिक इंट्रैक्शन क्या होती है? जब किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसे खोल के लिख देते हैं, ठीक है। जैसे CH3 CH2, इसे हम क्या करते हैं, एक कार्बन पे चार हाइड्रोजन शो करें, CH2 ए दूसरी वाली कार्बन पे दो हाइड्रोजन शो करें, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसी कार्बन चेन के ऊपर जो अदर वाले क्या होते हैं, ब्रांच फॉर्म में ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिक इंट्रैक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाते हैं, आपस में जो ग्रुप्स हैं आपस में टकराने लग जाते हैं, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की, उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही मुश्किल आएंगी उस प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से हमें स्टेरिक इंट्रैक्शंस को रिमूव करना पड़ता है, या फिर क्या कर देते हैं, जैसे आपने देखा है कि डेक्सोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी, उसमें क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या तो लेफ्ट साइड पर होगा या राइट हैंड साइड पर होता है, वो क्या होती हैं डेक्सोरोटेटरी लिवोरोटेटरी, क्या होती है कि उनकी पोजिशन हम चेंज कर देते हैं कि वो लेफ्ट साइड पर है राइट हैंड साइड पर है। तो ऐसे ही क्या होता है कि स्टेरिक इंट्रैक्शंस में भी चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं कि ग्रुप्स जो हैं अगर सेम साइड पे होंगे, तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिस फॉर्म होती है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये जो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म होती है, ये किस लिए होती है, हमें अपने प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए हमें ये फॉर्म्स क्या करती है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट को, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो जाए। कई बार आपने देखा है कि जो प्रोडक्ट है वो सिस फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके जो क्या होते हैं ब्रांचिंग वाले ग्रुप्स होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, तो वो सिस फॉर्म में भी स्टेबल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ट्रांसफॉर्म में होते हैं, तो ट्रांसफॉर्म में हमें उसे क्यों मॉडिफाई किया है, ताकि उसके जो बहुत ज़्यादा वो इलेबोरेट थे, उसके फंक्शनल ग्रुप्स, उसके जो ब्रांचिंग ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा थे, उनमें स्टेरिक इंट्रैक्शंस ना हों, उसको रिमूव करने के लिए हमने उसे ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमें एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है स्टेबल प्रोडक्ट मिल सके। तो यहाँ पे भी क्या कहने की कोशिश करें कि जो रिंग्स होंगी उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 3 से लेके 30 तक, यानी कि 3 to 30 कार्बन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। डिस्टॉर्टेड होगी मीन्स वो पकड़ फॉर्म में आ जाएगी, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी अपने ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि ड्यू टू बॉन्ड बेंडिंग, यहाँ पे बॉन्ड्स बेंड हो रहे हैं जिसी की वजह से आपको एक पकड़ स्ट्रक्चर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक इंट्रैक्शंस भी रिमूव हो रहे हैं, ताकि जो रिंग है उसके अंदर की स्ट्रेन भी रिमूव हो सके, स्टेरिक इंट्रैक्शंस भी रिमूव हो सके, और वो पकड़ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। से ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो रिंग है वो स्टेबल हो सके। अगर कोई रिंग स्टेबल है तभी जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं मिल सकता अपने सिंथेसिस में। इज़ दैट क्लियर? सेकेंड ईयर? तो आगे ये आपका जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी ही कंप्लीट होती है। अब हम इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। आपके सिलेबस में गिवन है कि लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी इसमें, तो सो राइट डाउन, हेडिंग डालो सभी, लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी।
इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, बेयर वॉज नॉट एबल, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम्स। तो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसमें क्या कमी थी? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स में, जिसमें कि 15, 16 या 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ 30 कार्बन एटम्स तक, तो उन रिंग्स में जो एंगल स्ट्रेन है उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दी बेयर्स साइक्लोप्रोपेन is less stable than cyclobutane and cyclopentane should be much stable than cyclohexane. I'm repeated again. Cyclopentane should be much stable than cyclohexane, but practically it is reversed. तो यहाँ पे उसने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें बता दिया कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें एंगल स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा थी, तो वो कम स्टेबल था देन दी साइक्लोब्यूटेन। अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन की वैल्यू कितनी आ रही थी? -11। अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई थी? -1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जाते तो साइक्लोपेंटेन की वैल्यू होती +1 थी, लेकिन साइक्लोहेक्सेन की वैल्यू कितनी थी? एंगल ऑफ स्ट्रेन -11 था। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारी साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल थी, बट अगर हम प्रैक्टिकली, हम कोई सिंथेसिस कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो तो स्टेबल थी एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन। हमें जो ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे थे वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा मिल रहे थे एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल हो गई साइक्लोपेंटेन के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकली सिंथेसिस जब हम करते हैं, तो वहाँ पे भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि थ्रेटिकली वो अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग तो सक्सेसफुल थे, बट प्रैक्टिकली वो फेल हो गई। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। क्लियर है? क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, थर्ड पॉइंट, larger ring systems are not possible
लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर, अकॉर्डिंग टू बेयर एज दे हैव negative strain, but they exist and much stable. तो यहाँ इस पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देना. ओके आई एम रिपीटेड अगेन. लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट दे एग्जिस्ट एंड मच स्टेबल. तो यहाँ इस पॉइंट में भी क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी और साइक्लोपेंटीन की पॉजिटिव में थी. तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटीन ज़्यादा स्टेबल थी, यानी कि उसने कहा कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ जिनकी आती हैं, एंगल स्ट्रेन की वैल्यू जिन रिंग्स की नेगेटिव में आती है वो स्टेबल नहीं होंगे. लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि साइक्लोहेक्सेन जिसकी एंगल स्ट्रेन वैल्यू नेगेटिव में थी वो एग्जिस्ट भी कर रही थी रिंग और वो ज़्यादा स्टेबल भी थी. तो यहाँ इस पॉइंट में भी जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई थी. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट प्लेनर बट पकर्ड टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन बट पकड़ टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन. तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी उसने क्या कहा था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहते हैं तो हमारी जो रिंग है वो अपने आप को खुद को डिस्टॉर्टेड कर लेती है, ठीक है, यानी कि वो मॉडिफाई होती रहती है. और वहाँ पे वो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो रिंग है उसकी स्टेबिलिटी इनक्रीज हो जाए, उसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाए. लेकिन यहाँ भी इस पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन करने में बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी चेन बढ़ जाएगी, उतनी ही रिंग सिस्टम ज़्यादा बढ़ जाएगी. इट मीन्स उसकी जो स्टेबिलिटी के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 25, 26 से लेके 27, 28, 30 तक वेरी करते हैं तो कोई भी रिंग है वो कितनी डिस्टॉर्टेड हो सकती है, कितना ज़्यादा मॉडिफाई होगी. वो तो एक होता है ना कि डिस्टॉर्टेड होके कोई जो जैसे मॉडल ले लेते हैं उसको हम डिस्टॉर्टेड करते रहें, उससे मॉडिफाई करते रहें, ऐसे मोड़ते रहें, तो वो तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी स्टेबिलिटी की, यहाँ तो उसकी जो स्ट्रक्चर है हम उसे ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो यहाँ इस पॉइंट में भी जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो फेल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना क्वेरी करेंगे, कोई भी जो स्ट्रक्चर है, कोई भी रिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ 10 कार्बन एटम्स के अंदर ही उस रिंग को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन यहाँ उसने अपनी थ्योरी में कहा 3 to 30 कार्बन एटम्स, 3 से लेके 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक जो रिंग है उनकी स्टेबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया. तो यहाँ पे भी जो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये फेल हो गई थी. तो ये जो आपके 4 पॉइंट हैं ये लिमिटेशंस के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लेना. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी. ओके ठीक है सेकंड ईयर.
ओके मैम। तो बेटा आपके जो नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेशे मोहर थ्योरी ऑफ रिंग। तो सभी हेडिंग डालो, सेशे मोहर थ्योरी ऑफ रिंग। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, सेशे की स्पेलिंग है S A C H E, सेशे मोहर MOHR, मोहर सेशे मोहर थ्योरी ऑफ रिंग, सेशे मोहर थ्योरी ऑफ रिंग। सो राइट डाउन, सेशे मोहर थ्योरी हमें इसने कब एक्सप्लेन किया था? वैसे ही सेशे मोहर जो है उसने ये जो इंट्रोड्यूस करवाया हमें इस रिंग के बारे में, इस थ्योरी के बारे में कि कैसे कैसे इनकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म आती हैं, कैसे रिंग्स जो हैं अपने आप को इंटरन कन्वर्जन कर लेती हैं, और इसमें हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है रिंग को मॉडिफाई करने के लिए, इसको इंटर कन्वर्जन करने के लिए, मीन्स चेयर फॉर्म टू बोर्ड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म टू चेयर फॉर्म, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में हम इस यूनिट में अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो इस थ्योरी को उसने हमें कब फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस करवाया था? इन 1918 में। लेकिन ये जो इंटर कन्वर्जन वाली बात है ये उसने हमें कब बताई? इन 1931 में। तो ये याद रखना हमेशा कि ये जो थ्योरी थी 1918 में उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन इंटर कन्वर्जन वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू जो रिंग की स्टेबिलिटी की बात है वो उसने हमें कब एक्सप्लेन किया? इन 1931 में। ठीक है, तो सेशे मोहर थ्योरी जो है वो उसने हमें कब बताई थी? सेशे एंड मोहर ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक ही पर्सन का नाम नहीं है, ये दो पर्सन थे, सेशे एंड मोहर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, मोहर ये जो लिख लो ब्रैकेट में लिख लेना, जो मोहर्स थ्योरी है इन 1931 में दी थी उसने हमें ये, मोहर सजेस्टेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ the possibility of existence of two forms which are readily undergo interconversion by rotation of single bonds involving negligible distortion of tetrahedral angles only 5 kilocalorie only 5 kilocalorie per mole energy is needed for their interconversion
तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मोहर ने हमें 1931 में ये बताया था कि जो कोई भी रिंग है उसकी जो एग्जिस्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे हुई थी कि वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते थे। अभी मैंने जैसे बताया चेयर फॉर्म टू बोर्ड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म टू चेयर फॉर्म, या फिर डिस्टॉर्टेड हो जाते, पकड़ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती थी रिंग अपने आप को ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसमें जो एंगस स्ट्रेन है वो बहुत ही कम रह जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन इस काम के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, जो कि बहुत ही कम एनर्जी थी, जिससे कि हम इतनी कम एनर्जी प्रोवाइड करके किसी भी रिंग को ज़्यादा स्टेबल कर सकते, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें इजीली मिल जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टू कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड हैव नॉट बीन इंडिविजुअली isolated it means यहाँ पे हमें जो दो isomers मिलते थे वो dynamically equilibrium form में होते थे, ठीक है, वो एक दूसरे की क्या होते थे, copy होते थे, isomers form में होते थे, जिसे कि हम individually isolate कर सकते थे कि ये दूसरा आइसोमर है और ये इसका पहला आइसोमर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस it has been found that the chair conformation is more stable than board foam, जो चेयर कन्फर्मेशनल है वो एज़ कम्पेयर टू बोट वाली चेयर कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, ओके। सेकेंड ईयर ओके बच्चे, मैं पूरा पॉइंट जो है वो पूरा पॉइंट जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इट हैज़ बीन फाउंड दैट The chair conformation is more stable than the board conformation. Done? Okay. तो next heading डालो, शेषे मोहर थ्योरी In 1918, हमें 1918 में इन दोनों ने मिलके क्या बताया था, ये तो 1931 में हमें सिर्फ किसने बताया, मोहर ने बताई ये सारी बातें, ये तीनों पॉइंट किसने बताए हमें, मोहर ने, लेकिन इन 1918 में जब ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई थी तो इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में क्या बताया था, ठीक है, वो लिखना है हमें, सेशे मोहर थ्योरी इन 1918 में, ब्रैक में लिख लेना इन 1918, डन, राइट डाउन, In order
टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर मेंबर्स नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सैशे एंड मोहर प्रपोज्ड दैट सच रिंग्स कैन बिकम फ्री फ्रॉम स्ट्रेन if all rings carbons are not forced into one plane. तो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि अगर किसी रिंग के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इस बात के लिए फोर्स ना किया जाए कि वो एक ही प्लेन में रहें, मीन्स अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहना चाहिए, ऐसा अगर ना हो, उन्हें फोर्स ना किया जाए डायरेक्शंस के लिए, तो इट मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वो मॉडिफाई हो सकते हैं तो वो जो उनके अंदर स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, वो रिमूव हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो रिंग्स हमें मिलेंगी वो कैसे मिलेंगे, स्ट्रेनलेस रिंग मिलेंगे। ठीक है, ये हमें किसने बताया था इस थ्योरी के बारे में, सैशे एंड मोहर बोथ दोनों ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हमें, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन कैन एग्जिस्ट इन टू नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन की स्पेलिंग है CONFIRMATIONS कन्फर्मेशंस, both of which are completely free from strain। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हम एग्जाम्पल भी दी, किसकी एग्जाम्पल दी, साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 6। उन्होंने कहा कि हम साइक्लोहेक्सेन की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन को, ओके बेटा, तो सैशे एंड मोहर ने इन 1918 में हमें एग्जाम्पल दी साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, कि साइक्लोहेक्सेन सभी ने देखा है कैसे होते हैं, देखने में बेंजीन रिंग के जैसी होती है, सिर्फ उसमें क्या फ़र्क होता है कि उसके अंदर बोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो खाली होती है, अगर हम ऐसे देखते हैं कि एक ही प्लेन में आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। उन्होंने नाउ इज इट क्लियर, आप ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो सैशे एंड मोहर ने हमें इन 1918 में कहा कि किसी भी रिंग को अगर हम ये फोर्स ना करें कि वो एक ही प्लेन में रहें और हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम रिंग की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने हमें एग्जांपल दी साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन रिंग है, अगर हम उसे देखते हैं तो हमें बेंजीन रिंग के जैसे दिखाई देती है, जैसे बेंजीन रिंग में अंदर तो बॉन्ड्स होते हैं लेकिन साइक्लोहेक्सेन रिंग जो होती है वो अंदर से खाली होती है, लेकिन देखने में तो वैसी होती है,
ठीक है, वहाँ पे वो हमारी प्लिनर फॉर्म में होती है साइक्लोहेक्सेनिक। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस रिंग को मॉडिफाई कर देते हैं साइक्लोहेक्सेन को, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चेयर फॉर्म में एंड बोट फॉर्म में। आप चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। यानी कि चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है या डिस्टॉर्टेड फॉर्म कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन की। तो हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू थी साइक्लोहेक्सेन के लिए वो नेगेटिव में आ रही थी, यानी कि हमने वहाँ पर क्या किया, उसकी एंगल स्ट्रेन को रिमूव कर दिया और उसकी स्टेबिलिटी को हमने इंक्रीज कर दिया। आपने अभी यहाँ पर अभी लिखा है, जो मैंने 1931 में आपको मोहर के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखवाई थी, उसने क्या बताया था कि हमारी जो चेयर फॉर्म है, चेयर कन्फर्मेशन है, वो ज़्यादा स्टेबल थी एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है उसमें एंगल स्ट्रेन के होते हुए भी हमने उसकी स्टेबिलिटी को इनक्रीज कर दिया है। कैसे इंक्रीज किया है, हमने उसे मॉडिफाई कर दिया है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसका इंटर कन्वर्जन कर दिया हमने उसमें चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके। ठीक है, क्लियर है बेटा, सेकेंड ईयर। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द चेयर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड द चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, बिकॉज ऑफ देयर शेप, बिकॉज ऑफ देयर शेप, उनकी शेप की वजह से ऐसे कहते हैं। तो चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म की जो शेप है वो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो मुझसे।